नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट दोस्तों जो है वो एक्सिस बैंक की तरफ से ही। एक्सिस बैंक में दोस्तों जो है वो काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट जो है वो उनकी वेबसाइट पर अपलोड करी जाती हैं। 2019 में भी काफ़ी सारी जॉब जो है वो अपडेट करी गई थी उनकी वेबसाइट पर, और वो अपनी वेबसाइट पर ही जानकारी देते हैं कि किस किस पोजीशन के लिए कहाँ कहाँ पर रिक्रूटमेंट है। अगर आप किसी अनट्रस्टेड सोर्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सोर्स से अप्लाई करते हैं जो कि ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है, तो उसमें जो है आपको नुकसान हो सकता है। आपको ऐसी फेक और फ्रॉड कॉल्स आनी शुरू हो जाती है जिनसे आपसे जो है वो पैसों की डिमांड करी जा सकती है। तो अच्छा यही है कि आप उनकी वेबसाइट पर जाकर जो है आवेदन कीजिए, ताकि आपको किसी तरह की फ्रॉड कॉल जो है वो ना आए। अभी कैसे आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको देखना है, वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। जो लोग पहले से जो है मेरे फॉलोअर हैं उनको पता है कि कैसे आपको आवेदन करना होता है। काफ़ी लोग नए जुड़े हैं उनको भी ये जानकारी जो है वो मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर आपको किसी तरह की कॉल आती है जिसमें पैसों की डिमांड करी जाती है, तो उस कॉल को जो है उसी वक्त काट दीजिए। और कभी भी एक्सिस बैंक आपसे जो है वो फ़ोन करके पैसों की डिमांड नहीं करेगा। स्पेशली कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप इस अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, कोशिश करिएगा कि कभी भी जब इसके लिए आवेदन कीजिए तो अपनी डिटेल जो है वो वही डालिए, डिटेल जो आपके रिज्यूमे में लिखी हुई है उसको डिफरेंट मत रखिए। जो जो चीज़ें आप रिज्यूमे में लिखेंगे वही वही डिटेल जो है यहाँ पे फॉर्म में भी आप फिल कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों में परेशानी ना आए। जो लोग सिलेक्ट होंगे उनकी उनकी तरफ से आप उनको जो है वो मेल के थ्रू, SMS के थ्रू जो है वो बता दिया जाएगा। जो लोग सिलेक्ट नहीं होंगे उनको किसी भी तरह की जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रख के ही आवेदन कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर रिक्रूटमेंट है और कैसे जो है आपको इसके लिए आवेदन करना है। यहाँ पे दोस्तों फिल्टर की ऑप्शन दे रखी है, अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपनी सिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि आपकी अपनी सिटी में रिक्रूटमेंट है या नहीं है। यहाँ से एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं फ्रेशर हूँ तो यहाँ पे मैंने 0 सेलेक्ट कर दिया है, और 0 से लेकर 5 साल तक का एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास 4 साल तक का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं सर्च पर क्लिक कर दूंगा, जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है, डिटेल कैसे देखना है। ये सारी चीज़ें तो आप कर लेंगे, मेन चीज़ पे हम लोग आ जाते हैं। अभी मान लीजिए रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों सिटी का नाम बताया गया है, जयपुर, पंचकुरा, भुवनेश्वर, देहरादून, उसके बाद जो है बीजापुर में है, भुवनेश्वर, गांधीधाम, रायपुर सर्कल, और ये जो है वो सिटीज़ है यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। नीचे पेजेस के नाम दिए गए, यहाँ पे क्लिक करके आप पेजेस में जो है वो जाके अलग अलग पोजीशंस और अलग अलग सिटीज़ के लिए रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। अभी अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको कैसे देखना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं 1 से 2 साल तक का, जिसमें 0 से लेके किसी भी साल का एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं। अभी मान लीजिए ये पंचकुरा की जॉब है, इसके अलावा यहाँ पे कोलकाता में भी रिक्रूटमेंट है फ्रेशर्स के लिए, इस पर भी क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे, एक पंचकुरा की जॉब है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों क्लिक कर देंगे जॉब डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट है। अगर बात करें लोकेशन की, पंसकूरा लोकेशन है, नंबर ऑफ ओपनिंग 20 है, 0 से लेके 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, यानी कि फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई, इसका मतलब सीधा यही है कि वो एक्सपीरियंस्ड लोगों को ज़्यादा मौका देंगे। अगर आपने 10+2 भी करी हुई है और आपके पास 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आपको हो सकता है इतना फायदा ना मिले। तो इसके लिए ये है कि अप्लाई तो आप कर सकते हैं फ्रेशर्स, यहाँ पे जो है वो 0 से 2 साल का, तभी उन्होंने लिखा है कि वो जो है वो फ्रेशर्स को भी वहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं। इसलिए आप जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा, बिना फीस के आपको आवेदन करना है। और 7 जनवरी को ये जॉब पोस्ट करी गई है, यानी कि इतने ज़्यादा एप्लीकेशन वहाँ तक नहीं गए होंगे अभी तक। तो आप जल्द से जल्द आवेदन कीजिए, और यही इसका जो है तरीका है सही, जिससे आप जो है अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट बैंक तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो उसको रिव्यू करें। और अगर आप उनको जो है आपका प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे पसंद आता है तो उनकी तरफ से आपको जो है वो इनविटेशन देके इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद पेज खुल जाएगा और वहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। आपको क्या करना है, आपको ये सारा फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे आके यहाँ पे रिज्यूम ऐड करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर देंगे, एप्लीकेशन सबमिट, और इतना ही काम आपको करना है। उसके बाद वेट करनी है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं, आपका प्रोफाइल पसंद आता है, तो उनकी तरफ से आपको ईमेल के थ्रू बुला लिया जाएगा। लेकिन किसी भी तरह की फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यही दोस्तों आज की वीडियो में था।
अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों जो है अगर आप बाकी जॉब्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल पे दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी इस जो वीडियो में मैंने दूसरी सिटीज बताई है, आप चाहें तो उनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, तरीका बिल्कुल जो है वो सेम है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।